क्या कहें, बड़े दुख की बात है। देश स्वतंत्र तो हुआ लेकिन ऐसी विचारधारा वाले लोगों ने शासन किया जिनको भारतीयता में, सनातन संस्कृति में श्रद्धा ही नहीं थी। उस काल में भी विरोध हुआ था सहशिक्षा का, बड़े बूढ़े लोग इसके प्रमाण हैं, लेकिन उस विरोध को स्वीकार नहीं किया गया और भारत जैसे देश में पाश्चात्य देशों का अंधानुकरण करते हुए बालक बालिकाओं की सह शिक्षा का प्रचलन किया गया। और वो सह शिक्षा कॉलेज की शिक्षा तक, सह शिक्षा विश्वविद्यालय तक, सह शिक्षा। और सह शिक्षा का दुष्परिणाम यह है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, घृत कुंभ समा नारी तप्तांगार को उपमान, घी से भरे हुए कलश के समान स्त्री का शरीर है और धधकते हुए अंगार के समान युवा पुरुष का शरीर है। भाई, धधकते अंगार पर घी के कलश को रखोगे और कहोगे घी पिघले नहीं, ये कैसे संभव है? युवक और युवतियों का युवावस्था में एक साथ रहना उनके सदाचार की रक्षा नहीं कर सकता, उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकता। और विवाह के पहले ही उनका धर्म नष्ट हो गया, उनका सदाचार नष्ट हो गया, तो उनके द्वारा आप पातिव्रत की कल्पना, सतीत्व की कल्पना कैसे करेंगे? और धर्मशील पुरुष, सत्यवादी पुरुष, लोभरहित पुरुष, दानशील पुरुष, ये पुरुष आसमान से नहीं टपकते हैं, धरती फोड़ के नहीं निकलते हैं, किसी सती साध्वी पतिव्रता माता की कोख से ही जन्म लेते हैं। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में पुरुष की उतनी अधिक भूमिका नहीं है जितनी महत्वपूर्ण भूमिका माताओं की है। इसलिए नारियों की पवित्रता पर हमारे वैदिक सनातन धर्म में बहुत जोर दिया गया। किसी भी प्रकार से मेरी प्रार्थना है कि नारियों की पवित्रता को राष्ट्र बचा ले। फिर परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी जैसे महापुरुष बार बार इस धरती पर जन्म लेते रहेंगे, और यदि ये नहीं बचाया गया तो अकाल पड़ जाएगा, महापुरुष दिखाई नहीं पड़ेंगे। अभी भी अकाल जैसा ही है और अकाल पड़ जाएगा। एक भगवत प्राप्त सिद्ध संत ने एकांत में दास से कहा, उन्होंने कहा कि जीवन मुक्त पुरुष जिनको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे जीवन मुक्त पुरुष करुणा की अधिकता, दया की अधिकता होने के कारण जीव जगत की पीड़ा का अनुभव करके वे संसार में आना चाहते हैं जीवों का परम हित करने के लिए, लेकिन उन्हें माता पिता वैसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिनके माध्यम से वो संसार में आए। उन्होंने कहा, सूक्ष्म जगत के महानुभावों से संबंध स्थापित हुआ, उन्होंने कहा हम आ तो जाएं पर हम किस माता के गर्भ से जन्म लें, ये स्थिति हो रही है। श्री सीताराम, प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।